नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं सीएचएमयू न्यूज़। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के एकेडमिक सेंटर में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी शिक्षकों को नॉलेज क्रिएशन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज हमने विश्वविद्यालय के सभी जो सेवा से आयु के कारण निवृत्त हो चुके उन सबको यहाँ पर बुलाया था। जो भी कानपुर के विश्वविद्यालय के धरोहर रही है पुराने शिक्षक, उनसे ज्ञान के बारे में चर्चा हुई है और सबने यह कहा है कि वो विश्वविद्यालय को वापस जो है ज्ञान किसी न किसी रूप में देंगे। और प्रोफेसर सक्सेना जो मेरे भी प्रिंसिपल है, उन्होंने भी लाइफ लॉन्ग प्रोफेसर का एक आखिर के कॉन्सेप्ट दिया है, तो हम सभी लोगों को लाइफ लॉन्ग प्रोफेसर विश्वविद्यालय का बनाने के लिए अगली ईसी में लेकर आएंगे। और हम सबको निवेदन करेंगे कि क्वेश्चन बैंक, उनकी अच्छी कंटेंट्स और बहुत सारी चीज़ें वो हम लोगों को वापस करें और सोसाइटी को करें, जिसको सबने सहजता से सुना है। आप सभी गुरुओं का बहुत वंदन और अभिनंदन इस विश्वविद्यालय में। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के उद्यमिता एवं नवाचार विभाग द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज दूसरा दिन था। कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर शिल्पा कायस ने बताया कि इस प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षक ये जान सकेंगे कि छात्रों को कैसे उद्यमिता के बारे में सिखाया जा सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज की वर्कशॉप में टीचर्स ने क्या नया सीखा है? आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है, जिसमें कि सारे टीचर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है और ये एक तरह से एक नॉलेज शेयरिंग करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि वो किन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, किन थ्रस्ट एरियाज को अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में बढ़ावा देना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसकी की प्रॉब्लम्स वो ले सकते हैं। और ये जो सेशन है, इसमें फैकल्टी को ट्रेनिंग मिल रही है कि वो अपने जब कॉलेजेस में चले जाएंगे तो वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को इसी ट्रेनिंग को प्रदान कर सकते हैं। तो आज का सेशन आई एम होपिंग कि सारे जितने भी हमारे फैकल्टी हैं इसको बहुत लाभ होगा और वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन में जब जाएंगे तो एक अच्छा उद्यमिता के प्रति माहौल तैयार कर पाएंगे, जिसमें कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में चल रही कैमकेट सॉफ्टवेयर कार्यशाला का आज तीसरा दिन था। कार्यशाला में PIG कंट्रोलर और कंट्रोल वॉल्व जैसी प्रक्रिया के उपयोग की प्रयोगात्मक जानकारी छात्रों को दी गई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज जो इंट्रोडक्शन टू कैमकेट वर्कशॉप तीसरा दिन आज चल रहा है और इसमें के आज तीसरे दिन में बच्चों को कंट्रोलर्स के बारे में बताया गया है। इसमें डिवाइडर, मिक्सर, इस तरह के नए यूनिट ऑपरेशंस हैं, इनको यूज करके बच्चों को प्रोसेस फ्लोशीट में उसका यूज और कैसे प्रोसेस फ्लोशीट से इसका वो निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर प्रेशर कैसे इफेक्ट होता है मिक्सर और डिवाइडर में, वो सब बताया गया है। मेनली आज की जो वर्कशॉप है वो कंट्रोलर्स पे बेस्ड है। इसमें बच्चों को पहले कंट्रोलर्स के बारे में पूरा डिटेल बताया गया। इसमें मुख्य प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, PID कंट्रोलर ये रहे और इनसे संबंधित लैब की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर विनय सचान जो लैब को देख रहे हैं वो बच्चों को सेकेंड हाफ में लैब का विजिट करा रहे हैं और बच्चों को सारे इक्विपमेंट चला के और इन कंट्रोलों को एप्लीकेशन करके जो हमारे यहाँ मेन मुख्य पैरामीटर्स जो किसी प्रोसेस में होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट, लेवल, कंपोजिशंस, इन सब के एक्सपेरिमेंट बच्चों को चला के इनको दिखाया जा रहा है।